हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन चैनल आर एस ट्यूटोरियल सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिच लेट्स ये इमप्रॉपर इंटीग्रल की फिफ्थ क्लास है जिन भी बच्चों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं प्लीज आप जाकर सारे ही क्लासेस देख लीजिए मैं सारे ही क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल

आपको याद होना चाहिए कि हम क्या रूल्स अप्लाई करने हैं ओके okay, सो so इसके जो रूल्स है इस टेस्ट के लिए इसके स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करते हैं ओके सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस स्टेटमेंट रिटर्न ओवर हियर। इफ एफ एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक अगर हमारा एक्स जो भी फंक्शन दिया गया है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक भी है ओके फर्स्ट कंडीशन और दूसरी कंडीशन क्या है इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और यही फंक्शन को अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनी पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जीरो आना चाहिए अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है बाउंडेड मोनोटोने और सेकेंड ये हमारी लिमिट देन द इंटीग्रल तो जो भी दिया गया इंटीग्रल है जीरो टू इन्फिनेटी एफ एक्स फाइव एक्स इज कन्वर्जेंट तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे कन्वर्जेंट हो जाएगा एंड प्रोवाइडेड दिस इज बाउंडेड एज एक्स एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज ठीक है सो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना भूल गई हूं हेडिंग दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द डिरिचलेट टेस्ट ओके सो ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होगा ओके okay, इसलिए कह रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये जो आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन का ये कन्वर्जेंट कहलाएगा ओके और यहाँ पर एक प्रोवाइडेड कंडीशन भी दी है ये भी फुलफिल होनी चाहिए ठीक है सो so, आपको ये टेस्ट एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल सो बच्चे दिस इज फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस ठीक है आपको फॉर्मेट देख के ही ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है समटाइम्स आपको यहाँ पर डिफाइन करके देगा कि पर्टिकुलर टेस्ट जिसे आपको कंपेरिजन टेस्ट या डेरिचुलर टेस्ट ओके या बिल्स टेस्ट आपको यहाँ पर डिफाइन करके देगा अगर नहीं दे रहा है तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है ओके सो so यहाँ पर देखिए एक फंक्शन आपको दिया है fx एक दिया है आपको phi x जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शंस है ओके ये मल्टीप्लिकेशन पे है ओके सो so ये फाइनली कंपैरिजन टेस्ट से तो फुलफिल नहीं होगा ओके सो so एबिल टेस्ट जो हमने लास्ट टेस्ट किया था उससे भी सॉल्व हो सकता है एंड ये हमारा डिरिचलेट टेस्ट से भी सॉल्व हो सकता है ठीक है सो so, सो so, बच्चे कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक क्वेश्चन दो फॉर्मेट से दो टेस्ट से सॉल्व हो सकता है सो so, आपको टेस्ट डिफाइन किया होगा कि आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है ओके सो नाउ लेट्स मूव टू दोल्यूशन हेयर बच्चे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है एफ एक्स और फाइ एक्स ओके ये जरूरी नहीं है कि जो पहला फंक्शन है वही एफ एक्स हो एंड सेकेंड फंक्शन ही एक्स हो ओके ये आपको खुद डिफाइन करना है कि विच इज एफ एक्स एंड विच इज फाइव एक्स ओके सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो भी बाउंडेड और मोनोटोनिक हो जाएगा एफ एक्स उसको आप क्या ले लेंगे यहाँ पर एफ एक्स ले लेंगे और लिमिट एक्सटेन्स टू जीरो जानी चाहिए अगर ये फुलफिल कर रहा है सो दैट्स वाई हम यहाँ पर एफ एक्स इस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ठीक है सो so यहाँ पर हमने एफ एक्स ले लिया है एंड हमने यहाँ पर फाइव एक्स ले लिया है साइन एक्स को ओके नाउ लेट सी क्लियरली आप देख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड वाई बच्चे जब आप यहाँ पर लिमिट रखेंगे जीरो टू तो इन्फिनी आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है ओके okay? या बाउंडेड है या नहीं सो so आप यहाँ पर देखेंगे आपने जो भी लिमिट दी गई है आपके क्वेश्चन की यहां दी है वन टू इन्फिनी ओके सो जैसे ही आप यहाँ पर वन पुट करेंगे इन दी प्लेस ऑफ एक्स ओके जैसे आप यहाँ वन पुट करेंगे सो so आपको क्या मिलेगा बच्चे वन बाय टू मिलेगा करके देखिए यहाँ पर इस फंक्शन पे वन पुट करके देखिए एक्स की प्लेस पे सो यू विल गेट वन बाय टू कैसे यहाँ वन यहाँ वन दिस विल बी वन प्लस वन टू ठीक है सो दिस इज वन बाय टू ओके और ये वन टू इन्फिनिटी जा रहा है मतलब कि हमारा फंक्शन एक्स जीरो से वन बाय टू के बीच में ही होगा मतलब ये बाउंडेड है ओके okay? और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है ओके okay? क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही है इसकी लेस होती जा रही है नाउ तो ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी बच्चे वो फुलफिल हो चुकी है कौन सी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी ऊपर ठीक है कहा बच्चे ये वाली अब हमारी सेकेंड लिमिट x एक्सटेन्स टू इन्फिनी एफ एक्स इजिक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी है सो so हे हम यहीं पर लेंगे ये हमारी कंडीशन है मैं इसको रेड मार्क कर देती हूं दिस इज योर स्टैंडर्ड

यहां पर मैं आपको रफ बता दे रही हूं ये x कॉमन निकालना है फ्रॉम दी न्यूमिरेटर ओके सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग वन ओके एंड सेम इन द डिनोमिनेटर हम अगेन x कॉमन निकालेंगे एंड वॉट विल बी द रिमेनिंग टर्म यहां पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा बच्चे x इतना समझ में आया ना फिर यहां से ये वन एक्स x कैंसिल आउट हुआ है इसलिए ये टर्म बची है अंडरस्टूड ओके okay, so यहां पर क्योंकि कोई एक्स की टर्म नहीं थी और इससे एक्स कॉमन निकलेगा सो डिवाइड में एक्स जाएगा ओके सो यहां पर इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट पे लिखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स ओके नाओ यहां पर आप एक्स की जगह पर इन्फिनेटिव पुट करेंगे सो यू विल गेट जीरो सो यहाँ पर आपकी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई ओके फर्स्ट एंड सेकेंड नाउ थर्ड वन वॉट इज दर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन इज इन इंट्रीगल ऑफ जीरो टू ए सॉरी x फाइव एक्स डी ठीक है मॉड में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और क्या आनी चाहिए वैल्यू इन वैल्यूज आनी चाहिए ठीक है सॉरी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं ना बाउंडेड एस एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज ठीक है एक्स हमारा कौन सा ले रहा है एक फाइनाइट वैल्यू ले रहा है सो लेट सी हाउ वी विल सॉल्व इट नाउ दिस इज योर थर्ड कंडीशन ओके सो यहां पर हमने फाइव एक्स की वैल्यू पुट डाउन करी है दैट्स इट वन टू एक्स साइन एक्स दिस इज दैल्यू ऑफ फाइव एक्स फंक्शन ओके सो यहाँ पर हमने फाइव एक्स की वैल्यू फाइंड यहाँ पर रिटर्न की है बच्चे अब आपको क्या करना है जस्ट हमने इंटीग्रेट किया है एंड कुछ नहीं किया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स ओके एंड लिमिट वन टू एक्स इज दैट क्लियर नाउ हम लिमिट पुट करेंगे यू ऑल नो दैट हम कैसे पुट कर सकते हैं लिमिट फमारी जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट सो अपर लिमिट का ये वैल्यू और ऑलरेडी यहाँ माइनस है और दोनों जब भी हम यहाँ पर अपर लिमिट लेते हैं बच्चे माइनस तो में लोअर लिमिट लगता है ठीक है so सो ये माइनस और ये माइनस विल बी प्लस ओके इज दैट क्लियर ना यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू रखें ठीक है x की कोई भी वैल्यू रखें सो so हमेशा हमको यहां पर देखिए एक तो कॉस वन की वैल्यू और एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे सो वैल्यू हमेशा हमारे लेस एंड इक्वल देन क्या होगी बच्चे टू होगी मतलब टू से बड़ी वैल्यू तो हमें नहीं मिलने वाली है ओके सो हमें यहाँ पर टू से बड़ी वैल्यू नहीं मिलने वाली है लेस और इक्वल देन क्या होगी टू होगी ठीक है सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइव एक्स है मॉड में इज बाउंडेड ठीक है क्या है बच्चे बाउंडेड है ठीक है नाउ ये रेड रेड पेन से जो लिखा अभी ये नहीं देखना आपको जहां मैं पढ़ा रही हूँ वहां पर देखिए ठीक है सो दैट इज दिस इज बाउंडेड और हेयर बाय द डिरीचलेट टेस्ट यहाँ पर जो भी कंडीशन है जो भी हमारा फंक्शन दिया गया था ओके दिस इज योर फंक्शन जो आपका क्वेश्चन था एक्जेक्टली ठीक है ये वही क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन था एक्जेक्टली सो दिस इज कन्वर्जेंट ओके okay, सो so हमने क्या किया है मैं एक बार और रिव्यू दे देती हूँ आपको सबसे पहले तो हमने फंक्शंस डिफाइन किए थे उसके बाद जो हमारा एफ एक्स वाला फंक्शन था उसको मोनोटोनिक और बाउंडेड यहाँ पर डिफाइन किया ठीक है उसके बाद हमने लिमिट वाला सेकेंड हमारा स्टेप था लिमिट लेना और लिमिट को जीरो यहां पर लिमिट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए एंड योर थर्ड स्टेप इज हमारा जो फाइव एक्स वाला फंक्शन है उसका मॉड निकाल के उसे सॉल्व करना है ध्यान रखिए यहाँ पर आपको एक्स ही लेना है इन्फिनिटी नहीं ठीक है ना एट लास्ट अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है सो so हमारा जो भी दिया गया फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है ओके सो दिस इज द कंप्लीट डिरिचलेट टेस्ट किसी को कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट आई विल रिप्लाई ओके नाउ यहाँ पर आप अब यहाँ पर ये रेड पेन से जो लिखा आप यहाँ पर आ जाइए रेड बॉक्स पे दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बसे आप इसे खुद सॉल्व करके देखिएगा ठीक है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है सो so,